दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की पढ़ाई में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से विशेष प्रोजेक्ट बीते दिनों आरंभ किया गया, जिसके तहत 8वीं और 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मुफ्त कोचिंग मुहैया करवाई जाएगी, ताकि वे 10वीं कक्षा में अच्छे अंक हासिल कर मेरिटोरियस स्कूल में दाखिला ले सकें। एनजीओ एमेलियोरेटिंग इंडिया संस्था की ओर से शुरू इस प्रोजेक्ट का दौरा लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर रजत अग्रवाल ने सरकारी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लग रही कक्षाओं का निरीक्षण कर किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को बेहतर ढंग से पढ़ाई करने की प्रेरणा दी, साथ ही उन्हें अपने लक्ष्य पर फोकस करने को भी कहा। पूरा सहयोग रहेगा, पूरा मोटिवेशन रहेगा यहो जी संस्थावां नूं, क्योंकि किसी भी समाज दे विच उत्थान जिहड़ा हैगा वो समाज के सारे अंगा दे साझे एफर्ट्स नाल पॉसिबल होंदा है। कोई भी एक समाज का अंग सारे समाज नूं पर नहीं चुक सकता, सारे नूं मिल के रल के मेहनत करनी पैंदी है, तां करके कोई अचीवमेंट होंदा है। बड़ी खुशी की गल है कि यहो जी संस्था एंड समाज के उघे व्यक्ति एजुकेशन पक्षों इन्ने एजुकेटिड व्यक्ति इस काम वास्ते आगे आए हैं। कुछ साल पहले सोसाइटी बनाई सी, इसका एम सीगा कि कंट्री नूं बैटर करना, एक किस तरह कंट्री राइज कर सकता है। एंड हम सोचे कि राइज करने का सब तो बढ़िया तरीका है पढ़ाई। अगर असी बच्चे नूं अच्छी पढ़ाई दे दी तो बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। अकॉर्डिंगली हूँ रीसेंटली क्योंकि गवर्नमेंट ने एक स्कीम शुरू की है, जोड़े भी बच्चे 80% नंबर ले लेंगे गवर्नमेंट स्कूलों के तो उन्होंने फ्री एजुकेशन, फ्री होस्टल, फ्री सारिया फैसिलिटियां दिखाई जानियां, ताकि अगे वो कैरियर हो जाए। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों अक्सर अच्छा गरीब बच्चे होंगे हैं तो स्टैंडर्ड डाउन हो गया। असी इस गल भी कि किदा गवर्नमेंट स्कूलों का द्वारा स्टैंडर्ड स्टोर किया जाए, असी बनाया कि असी इतों के बच्चों शाम को जोड़े पढ़ना चाहते ने पाँच चार स्कूलों के नज़दीक एक स्कूल इकट्ठा करके उन्होंने अच्छी रिफ्रैशमेंट न्यूट्रिशन दे के, क्योंकि गरीब होने करके घरों उन्होंने अच्छी डाइट भी शायद ना मिलती हो, वो दे के उन्होंने कोचा दे अच्छे कोच रख के, बड़े एक्सपीरियंस एंड क्वालीफाइड कोच रख के छोटी छोटी क्लासों के उन्होंने पढ़ाया जाए।